झाड़ोल में साड़ियों की बहार, आज मेरा फैशन लाया है नई सौगात। फैंसी साड़ियों की यहाँ है भरमार, जल्दी आइए रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किशन भाई का वादा। अच्छी और सस्ती साड़ियाँ सिर्फ अजमेरा फैशन झाड़ोल पर। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। खड़गे बोले, एमपी में सरकार बनी तो कराएंगे जातीय जनगणना। कहा, यहाँ नाजायज सरकार ने हमारे विधायक चुराए। मोदी जी को रविदास सिर्फ चुनाव में याद आए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को सागर में कहा, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ जातीय जनगणना कराएंगे। इससे मालूम चलेगा कि राज्य में किस तबके कितने लोग गरीब और पिछड़े हैं। यह भी सामने आएगा कि यहाँ कितने भूमिहीन लोग हैं। भाजपा ने हमारे विधायक चुराकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, ये नाजायज सरकार है। मोदी जी को रविदास जी का मंदिर बनाने की याद अब इसलिए आई क्योंकि चुनाव आ रही है। वोट लेने के लिए क्या करना है वो काम मोदी जी हमेशा करते हैं, यहाँ भी करके गए। वे 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, शिवराज सिंह भी 18 साल से हुकूमत कर रहे हैं। खड़गे ने सागर के कजलीवन मैदान से कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। बुंदेलखंड में 22% SC वोटर हैं। इन्हें साधने के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली सभा के लिए सागर को चुना गया। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सागर आ चुके हैं। मोदी जी ने कहा, 18 करोड़ नौकरियां दूंगा। नौकरियां दी क्या? 15-15 लाख रुपए हर एक के जेब में डालने का वादा किया था, मिले क्या? किसानों की आमदनी दोगुनी करने का कहा था, नहीं हुई। प्रधानमंत्री होकर झूठ बोल रहे, उन्होंने झूठ बोलकर वोट लिए, इस बार लोग झूठ नहीं सुनेंगे।